السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوال نمبر 4 سے شروع کریں گے یا 5 سے؟ میرا خیال ہے کہ 4 ہے یہ. आवाज कम आ रही है? जी हमारी तरफ से आवाज वॉल्यूम फुल है. आवाज कम है. सवाल नंबर 4 था कि कविन जुमुलन मिनल कलिमात इल आतियति मुस्तामिलन इस्मत तफदील. कविन बनाए, जुमुलन जुमले, मिनल कलिमात इल आतियति आने वाले कलिमात से, मुस्तामिलन इस्मत तफदील इसमें तफदील को इस्तेमाल करते हुए. आपने ये पढ़ा है कि अरबी जबान में इसम की 3 किस्में होती हैं. एक होता है इसम जामिद, दूसरा मसदर और तीसरा मुश्तक. इनको आप जानते हैं? इसम की जो ये 3 अकसाम हैं, आप इन्हें जानते हैं? इनके बारे में पता है कि क्या होता है जामिद, मसदर, मुश्तक? शाबाश. नहीं, चले इख्तिसार के साथ हम जिक्र कर देते हैं कि जिस तरीके से एक है इसम जैसे रजुलुन. रजुलुन ये एक इसम है, ठीक है ना? और इसी तरह जरबुन ये भी एक इसम है. इसम की अलामत यह है कि उसे आखिर में तनवीन आती है. जरबुन के आखिर में तनवीन है, ठीक है ना? और एक है जारिबुन, ये भी एक इस्म है. अब इन 3 इस्मों में फर्क ये है. जी इन 3 इस्मों में फर्क ये है कि पहले नंबर पर है इस्म जामिद. जामिद जिसे कहते हैं हम जमा हुआ, जामिद कहते हैं. वॉल्यूम बहुत ज्यादा जो है वो लो है तो बढ़ा दिया है, ठीक है. जामिद, जी हाँ, जामिद एक ऐसे इस्म को कहा जाता है कि जो इस्म शुरू से बना हुआ है ना, वो किसी से लिया गया है और ना उससे कोई और लफ्ज लिया जाता है. जैसे रजुलन है, आप किसी भी फेल को देखते हैं या किसी लफ्ज को देखते हैं, उसकी हमें कोई ना कोई असल मिलती है कि ये जो लफ्ज है ये यहाँ से लिया गया है. जैसे नासरुन है, नसर से लिया गया है. मंसूर, नसर से लिया गया है. महमूद, हामिदा से लिया गया है. हामिद, ये भी हामिदा से लिया गया है. लेकिन जो लफ्ज रजुलन है ना, ये लफ्ज रजुल शुरू से अरबी जबान में इसी तरह ये लफ्ज बना हुआ है, ना ये खुद किसी से लिया गया है और ना इससे कोई और लफ्ज लिया जाता है, तो इसको जामिद कहते हैं.
एक और हुए इसम उसे मसदर कहते हैं, मसदर। तहाशा अल्फाज बना सकते, जी हाँ आवाज कट गई थी। जी हाँ हम आते हैं दूसरे इसम की तरफ, और वो क्या है? वो ये है कि उसका नाम है मस्दर, जो खुद तो किसी से नहीं लिया हुआ होता, लेकिन उसे बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकते हैं मस्दर। और मस्दर जो लफ्ज है ना, ये सदर यसदरु से लिया गया है, और मस्दर का माना होता है कि सादिर होने की जगह। सादिर मतलब किसी चीज के निकलने की जगह, क्योंकि ये बजात खुद तो किसी से नहीं लिया गया होता, लेकिन इससे बहुत सारे अल्फाज सादिर हो जाते हैं, बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं। जैसे नसरुन हमने जिक्र किया, ये मसदर है, इसे हम नासिरुन बना सकते हैं, मदद करने वाला। मंसूर जिसकी मदद की जाए, और अंसर बहुत ज्यादा मदद करने वाला, और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज। तो मजदर उसे कहते हैं कि जो खुद तो किसी से नहीं बनता, लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। और तीसरा है मुश्तक। मुश्तक का माना है जो किसी और से लिया गया हो, इश्तिकाक से है, और ये इसका जो मादा है वो शक है, यानी किसी को फाड़ कर, किसी चीज को खोल कर उसमें से अंदर से लिया गया हो। तो ये जो मुश्तक होता है ये मसदर से लिया जाता है, मुश्तक। जी हाँ, जैसे नसरुन से नासिरुन, नासिरुन ये मुश्तक है। कुछ मसले हो रहे हैं, आप ऊपर आ जाइए, सेकंड ईयर में। जैसे नसरुन से नासरुन है तो ये मुश्तक कहलाएगा। तो समझ आ गया कि ये इसम की तीन अकसाम हैं, जामिद, मसदर, मुश्तक। ठीक है, अब ये हमारे सामने जो अल्फाज थे, ये सवाल नंबर चार, इसमें तफजील, ये एक ऐसा इसम होता है कि जिसमें दूसरों के मुकाबले में माना ज्यादा पाया जाता है। जैसे कबीरों का माना होता है बड़ा, और अकबर ज्यादा बड़ा, यानी किसी और के मुकाबले में। इसम तफजील, तफजील का माना लफ्ज बता रहा है कि तफजील ये इसका माना है कि किसी और पर जिसको फजीलत दी गई हो। दो लफ्ज होते हैं, दोनों में से किसी एक के अंदर माना की ज्यादती पाई जाती है, तो उसके लिए इसम तफजील इस्तेमाल करते हैं। ये बार बार विंडो के हवाले से मैसेज आ रहा था, अब उसको हटा दिया, वो थोड़ा परेशान कर रहा था। विंडो के हवाले से कोई मैसेज आ रहा अब देखिए। इसमें तफसील क्या है? ये एक इसम होता है, लेकिन कौन सा इसम होता है? जामिद, मसदर या मुश्तक?
आवाज खराब हो गई है, ये मुश्तक कहलाएगा। अरबी जबान में ये मुश्तक कहलाएगा। जी हाँ, जामिद एक ऐसे इस्म को कहा जाता है कि जो ना खुद किसी से लिया गया होता है और ना उससे कोई और लफ्ज लिया जाता है, बल्कि शुरू से अरबी जबान में जैसा वो बना हुआ होता है वैसे ही रहता है, जैसे रजुलुन। और मजदर एक ऐसा इस्म होता है जो खुद तो किसी से नहीं लिया गया होता, लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज लिए जा सकते हैं, जैसे नसरुन से नासरुन। तो नसरुन ये मजदर है, नसरुन मजदर है। और मुश्तक इसे कहते हैं कि जो मजदर से लिया जाता है, मुश्तक वो होता है कि जो मजदर से लिया जाता है। मजदर से हमने जो लफ्ज जो भी बनाएंगे ना, तो वो मुश्तक कहलाएगा। तो इस्म तफजील भी मुश्तक है जो मजदर से लिया जाता है। अभी जुमले बनाने हैं, उनका तरीकेकार ये है कि हाशिमुन और उसके बाद तवील को अफ़अल के वजन पर ले जाएंगे। हाशिमुन अतवलु, हाशिम ज्यादा लंबा है। उस्मान से, अब उस्मान से का माना अदा करने के लिए हमें एक लफ्ज इस्तेमाल करना होगा। तो अरबी जबान में वो कौन सा हर्फ है जो से का माना देता है? मिन। तो यहां पर हम लगाएंगे हाशिमुन अतवलु मिन उस्मान, हाशिमुन अतवलु मिन उस्मान। अब आपसे सवाल और मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, और वो ये है कि उस्मान के आखिर में जर क्यों नहीं आई, गैर मुनसरिफ। कौन से दो सबब हैं? अलिफ नून अलम है और अलिफ और नून जाइदतान है। ये वीडियो बंद कर दीजिए, उरूज और फातिमा मोहम्मद जी, वीडियो बंद कर दीजिए। फातिमा मोहम्मद वीडियो बंद कर दें। नहीं, अन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं, अलकाहिरतु, इसको पूरे जुमले को बनाएं और इसमें आने वाले कलिमात में जो दरमियान में इस्म है उसको अफ़ाल के वजन पर ले आएं। शेख मैं बताऊं? अलकाहिरतु अकबरु मिनर रियास, अलकाहिरतु अकबरु मिनर रियास। पेज नंबर आपके सामने खुला हुआ है, पेज नंबर 20। उसका क्या हल है, ये वीडियोस बार बार खुल रही हैं कि? जी सर, आपके पास कंट्रोल होता है, आप वहीं से ना ऑफ कर सकते हैं सेटिंग से। هذا الفندق نظيف ذاك, सर मैं बताऊं? هذا الفندق نظيف من ذاك, तो कैसे बनाएंगे? من ذاك, هذا الفندق ये होटल انظف ज्यादा साफ है, ذاك उससे, من ذاك उससे, ठीक है। اللغت العربیت, आगे इसको मुकम्मल करें नंबर 4 को। اللغت العربیت اسهل من لغت الفرنسیت,
اللغت العربیہ تو اسہل من اللغت الفرنسیت، عربی زبان فرانسیسی زبان سے زیادہ آسان ہے. سر ریاض کا کیا اعراب ہوگا؟ نمبر پانچ اسے حل کریں. انا انا اکبر منہ، ہوا ضمیر پر جب من داخل کریں گے تو یہ منہ ہو جائے گا، میں زیادہ بڑا ہوں اس سے. ٹھیک ہے. ہوا صغیر انت، ہوا اصغر من، اسے مکمل کریں. افعل تفضیل کے وزن پر لے آئیں. ہوا اصغر، آگے لگائیں گے من، اور من کے بعد انت میں کیا تبدیلی ہوگی؟ من کا ہو جائے گا. ہوا اصغر من کا. الرجال کثیر النساء، اسے بنائیے. الرجال اکثر، الرجال اکثر من النساء، مرد زیادہ ہیں عورتوں سے. انت احسن انا، نمبر انت احسن معك، اسے بنائیں. انت احسن مني، انت احسن. آگے انا پر جب من داخل ہوتا ہے، انا واحد متکلم کا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ منی. انت احسن منی، آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. الموز رخیص العنب، اس پر داخل کریں. الموز ارخص من العنب، الموز ارخص من العنب، کیلا زیادہ سستا ہے انگور سے. کون نہیں، کیا سستا ہے، کون انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے. الموز کیلا، ارخص زیادہ سستا ہے، العنب انگور سے. سر یہ بہت ڈسٹربینس ہو رہی ہے. اور اگر اس کے آخر میں العنب کے آخر میں اگر ہم تا لگا دیں تو پھر مانا ہوگا انگور کا ایک دانہ، العنب. تو ٹھیک ہے، العنب انگور یعنی بہت سارے، اور العنب تو انگور کا ایک دانہ. وہاں پہ میم سکون ہے، اس کے بعد میم مشدد آگے. صحیح ہے، میم جو میں میم مشدد، ٹھیک ہے، میم مشدد ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مائک کھل گیا شاید، ڈسٹربینس ہو رہی ہے. نون سکون جب آ گیا تو وہاں پہ بھی ہم پارٹیسپینٹس میں جا کے نا میوٹ کر دیں. میوٹ آگے ہے. الشمس الذي بعيد القمر، الشمس ابعد من القمر. پارٹیسپینٹس میں میوٹ کا آپشن ہے شیخ صاحب. الشمس ابعد من القمر، سر یہ من چینج کیسے کرتا ہے انا کو منی میں؟ اس کا کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے، بس ایک طریقہ کار ہے کہ انا پر جب من داخل کریں گے تو من انا نہیں پڑھتے، منی پڑھتے ہیں. من انا سے منی پڑھتے ہیں اس کو. نام جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. جی مون نہیں، مونس سماعی پر یہ نہیں ہے. الشمس جیسے یہ مونس سماعی ہے اور ویسے بھی اس کے اوپر الف لام داخل ہے تو ہم اس کو غیر منصرف نہیں کہیں گے. جی حرف جر کے ساتھ ضمیر متصل ہونے کی صورت میں. دیکھیے ہماری طرف سے آواز صاف ہے، آپ اپنا جو ہے وہ چیک کر لیجئے. نہیں حامد نام
मैंने जिक्र किया कि गैर मुनसरिब औरतों के नाम होते हैं और मर्दों के नामों में से वो नाम गैर मुनसरिब होंगे कि जिसके अंदर असबाब मना सरफ जो कि 12 हैं उनमें से कोई एक सबब पाया जाएगा। आवाज साहब ठीक है। अशम्सु अबअदु मिनल कमरी, सूरज ज्यादा दूर है चांद से। अशम्सु अबअदु मिनल कमर। अना अकबरु मिन्हु, और अगर आपको होमवर्क दिया जाए तो पता नहीं आप उसको कर कर आएंगे कि नहीं। सबसे पहले तो आप हुरूफ जर याद करें, ठीक है, जो हुरूफ जर 17 हैं उनको अजबर याद करके आए। और कल मैं पूछूंगा यहाँ पर, और ये नहीं कि सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन बताएगा, नहीं, जो नाम सामने है ना उनसे लाजमी तौर पर पूछेंगे वरना खड़ा कर देंगे। अब तो मदरसे में बच्चों को ऐसे खड़ा कर देते हैं ना जिसको याद नहीं होता, तो या ऑनलाइन वालों को कैसे खड़ा करेंगे। बहरहाल याद होने चाहिए, ठीक है, सबसे पहले एक एक चीज करके आप ले चलेंगे तो उसको आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो 17 जो हरूफ जर हैं पहले आप उनको अच्छी तरह अजबर करके आए, याद करके आए, ठीक है। और आगे है मश्क नंबर 5, इकरा पढ़ें। इकरा क्या सीगा है? ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जब सीगा पूछा जाए तो सीगा बताते हैं, फेल पूछा जाए तो फिर फेल बताते हैं, ठीक है जी हाँ। और सीगों को हल करने का एक तरीका है, मैं यहां पर वो चार्ट बना रहा हूं, और जब भी, और ये आपको हम देंगे, आपने इसको भी नोट करना है, आपको अफाल दिए जाएंगे, आपने इन अफाल की रोशनी में सीगों को हल करके आना होगा, ठीक है। एक है सीगा, दिखाई दे रहा है जो ऑनलाइन है उनको, अब दिखाई दे रहा है किसी का जी आ रहा है किसी का नो। अच्छा आगे है फेल, या तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारा लिखकर बाद में इंशाल्लाह किसी सूरत में आपको पीडीएफ में दे दे, लेकिन फिलहाल आप इसको नोट कर लें। फेल। और आगे है बाब, एक तो हमारा मार्कर भी माशाल्लाह से लिखने की पोजीशन में नहीं है। बल्कि जगह छोटी है क्योंकि इसके अंदर हम 2-3 चीजें जिक्र करेंगे, ठीक है, कोशिश करते हैं। सीगे के अंदर 3 चीजें हल की जाती हैं और फेल के अंदर भी 3 चीजें और बाब के अंदर एक। जब आपसे पूछा जाए ना इकरा तो ये सारे जवाब आप देने पड़ते हैं, आसान है इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। जब हम कोई सीगा जिक्र करेंगे तो सबसे पहले हम फेल जिक्र करेंगे कि वो सीगा जिसको हल करना है ना, वो फेल जिसको हमने हल करना है वो हम सबसे पहले इस खाने में दर्ज करेंगे। सबसे पहले जैसे एक है नसरा, वो फेल जिसको हमने हल करना है वो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे नसरा, नसरा। फिर उसके बाद हम आएंगे दूसरी बात की तरफ कि ये नसारा फेल की 3 किस्में होती हैं,
माजी मुजार अमर। चौथी भी जिक्र कर देते हैं, नहीं ये जगह थोड़ी कम है तो हम इसमें ये चारों जिक्र करेंगे। थोड़ा इसको हम नीचे लिखते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए यहां पर। तो देखेंगे ये सामने कैमरा के अंदर देखिए पूरा बोर्ड नजर आ रहा है। यहां से हम इसको बड़ा करें, स्क्रीन शेयर को बंद कर दें। ये इसको किससे बड़ा करेंगे, वाहिद मुजक्कर हासर, वाहिद मुजक्कर और हासर, ये अगले में लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे वाहिद तस्निया जमा, हमारे सामने ये एक फेल है नसर, ये वाहिद है तस्निया है जमा है नसरा वाहिद है, तो ये हमारे सामने ऊपर हेडिंग है, हम यहां पर लिखेंगे कि ये फेल जिसको हम हल कर रहे हैं वो वाहिद है। आगे है कि ये मुजक्कर है या मोनस है, मुदक्कर या मोअन्नस, तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये वाहिद है और ये मुजक्कर है, वाहिद मुजक्कर। फिर सीगे होते हैं या तो गायब के या हाजिर के या मुतकल्लिम के, ये क्या है गायब है हाजिर है मुतकल्लिम है, गायब हाजिर और मुतकल्लिम, तो हम कहेंगे कि ये वाहिद मुजक्कर गायब है। ठीक है, इस तरीके से हल किया जाता है सीगे को। अच्छा आगे है फेल, जब फेल के बारे में सवाल हो तो फेल या तो माजी होता है या मुजारिया या अमर या नहीं, ये कौन सा फेल है, ये फेल माजी है, नसरा फेल माजी है, और माजी मुजारे अमर नहीं, ये या तो मालूम होते हैं, मालूम समझते हैं जिसका करने वाला मालूम हो, या उसको मारूफ भी कहते हैं, या फिर ये मजहूल होता है, मजहूल जैसे जर नसरा से नुसरा, ये मजहूल होता है, मजहूल समझते हैं, मालूम और मारूफ या फिर मजहूल समझते हैं इसे, कि फेल मालूम वो होता है कि जिसका करने वाला मालूम हो, जैसे सारा कज़ैदुन जितने चोरी की, और मजहूल वो होता है कि जिसका करने वाला मालूम नहीं होता, सोरिका असाद मिसाल घड़ी चोरी की गई तो सोरी का ही मजहूल है। अच्छा यहां पर नसर ये मालूम है या मजहूल है, मालूम। आखिरी जो बात है वो ये कि नसर के बाब में हम जाएंगे, जो थुलासी मुजरद के जितने भी सीगे हैं ना, जिसके हरूफ असरिया में तीन हरफ होते हैं, जैसे ज़रब में तीन हरफ हैं, नसर में, समिया में, फतह में, दखल में, तो ये सारे के सारे अफाल थुलासी मुजरद के लाते हैं और ये छः अबवाब पर आते हैं, जैसे ज़रब यज़रिबु, नसर यंसुरु, समिया यस्माउ, फतह यफ्तहु, और करुम यकुरुम और हसीब यहसीब, ये छह अबवाब हैं। तो हम कहेंगे कि ये किस बाब से लिया गया है, नसरा ये बाब नसरा यंसुर है,
यह असल बाब है, नसरा यंसुरु, आखिर में बाब जिक्र करेंगे। जब आपसे पूछा जाए कि ये नसरा क्या सीखा है तो ये सारी चीजें जिक्र करनी होगी। अच्छा, अभी हम एक और लफ्ज जिक्र करते हैं इसकी जगह पर, सिर्फ जो है वो उसको एक मश्क के तौर पर। छह अबाब होते हैं जी। ये लफ्ज है उनसुर, उनसुर। जब आपसे पूछा जाए कि ये उनसुर क्या सीगा है तो आप इसी तरतीब से हल करेंगे। वाहिद है, तस्निया है, जमा है, उनसुर वाहिद। मुजक्कर है या मोनस है? मुजक्कर। उनसुर गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है, उनसुर। उनसुर, तू एक मर्द मदद कर, कहां से मुतकल्लिम हुआ? ये एक होता है ना अनसुरो, वो मुतकल्लिम होता है, ये होता है उनसुर, तू एक मर्द मदद कर। हाजिर है उनसुर, जिस तरह हम कहते हैं इजरिब तू मार, इस्मा तू सुन, उनसुर तू मदद कर। वाहिद मुजक्कर हाजिर, फेल क्या है? माजी मुजारे अमर नहीं, अमर। मालूम है या मजहूल है? जिसको हम कह रहे हैं कि तू मदद कर वो हमारे सामने है, मालूम है, मालूम। और बाब क्या है? वही नसर यंसुर। जब आपसे पूछा जाए कि ये फेल क्या है तो आप सिर्फ दो चीजें जिक्र कर देंगे ना, इनमें से ये अमर मालूम है, उनसुर। जैसे हमने यहां पर पढ़ा इकरा, पढ़, तो ये क्या फेल है? फेल अमर मालूम है। और बाब करा यकराउ से लिया गया है, करा यकराउ, किसके बदन पर है ये? छह अबवाब है ना, उनमें से सुलासी मुजरद का कौन सा बाब है? असल जो बाब जिसको वजन का फतह यफ्ताह के वजन पर। कुछ आया समझ? जी हाँ, ये छह अबवाब जो सुलाती मुजरद के हैं वो याद करने होंगे और उसके बाद हम फिर बाब बता सकेंगे कि असल बाब जो है वो कौन सा है और ये बाब। अब हम जब इसको हल करें, ये अबाब सर कह रहे हैं बाब वाली बात समझ नहीं आई, किसी को आवाज नहीं आ रही, हर वे जर दोहरा दें, बाप वाली बात समझ नहीं है। अच्छा, तो हम एक एक बात को हल करते हैं। हरफ जर जो 17 हैं वो आप किसी भी नहव की किताब से देखकर जो वो याद कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पर आपको आराम से आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो भी फेल अरबी जबान में तीन हरफी होता है वो छह अबवाब में से किसी एक बाब के वजन पर होगा। फ़ाला यफ़ालु फ़ाइला यफ़ालु, ये छह कुछ अबवाब हैं, तो इन छह अबवाब में से किसी एक के वजन पर होगा। कोई भी सुलासी मुजरद का जो फेल है वो किसी वजन पर होता है, हम अपनी तरफ से एराब नहीं लगा सकते। जैसे दखल है, इसका मुजारे हम क्या जिक्र करते हैं? यदखुलु, यदखुलु। खा पर हम पेश देते हैं, क्या पेश हम अपनी मर्जी से दे दिया क्योंकि हमें खा पर पेश अच्छा लग रहा है? नहीं, अरबी जबान में बाकायदा ये एक कायदे के ऊपर फिट है कि ये नसरा यंसुर के बाब के वजन पर है। तो ये छह अबवाब होते हैं, तो कोई भी जो फेल हम जिक्र करते हैं इन छह अबवाब में से किसी एक के वजन पर होता है, शर्त यह कि वो सुलाती हो, सुलाती यानी तीन हरफी हो, वगैरह अक्रम भी है, इसमें चार हरफ हैं, तो बहरहाल ये रुबाई का जो है मामला है। याद
या तो कोशिश करेंगे कि ये आपको पीडीएफ में दे दें और फिर ये कि आपको अफाल भी देंगे और आप उनको हल करके आएंगे, ठीक है ना। लेकिन डोज जो ना वो हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, कहीं सुना हो कि आप समझें कि बहुत ज्यादा बोझ हो रहा है, तो हरफ जर कल याद होने चाहिए, ठीक है। मशा यमशी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो ये किस वजन पर है? खुलासी मुजर के जो छह अबवाब हैं, मशा या यमशी यू किसके वजन पर है? ज़रब या ज़रीबु, मशा या यमशी यू, ठीक है। काल यकूल किसके वजन पर है? قال يقول इसके भी तीन हरफ हैं, असल में ये قول يقول था, किसके वजन पर है ये? فعل يفعل نصر ينصر के वजन पर है। باع يبيع बेचना, البيع किसी चीज को बेचना, किसके वजन पर है ये? بيع يبيع किसके वजन पर हुआ? ज़रबा या ज़रबु के वजन पर। तो ये छह जो असल है ना वो याद करने होंगे वजन, और फिर आप किसी भी फेल को उन औजान में से छह में से किसी एक के वजन के ऊपर रखकर और आप बता सकते हैं कि इसका बाब क्या है। मालूम और मजहूल किसे कहते हैं? मालूम कि जिसका करने वाला मालूम हो, ठीक है ना, और मजहूल कि जिसका करने वाला मालूम ना हो। जैसे हम एक मिसाल देते हैं कि सरक लिसुन असाअत, सरक चोरी की, लिसुन चोर ने असाअत घड़ी, या सरक जैदुन असाअत चोरी की जैद ने घड़ी। यहां पर सरक फेल मालूम है, मालूम क्यों है कि इसका करने वाला मालूम है और वो क्या है? वो जैद है। लेकिन अगर हमें मालूम ना हो कि ये काम किया किसने है, तो उसके लिए फेल मजहूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, पता नहीं कि किसने लिखा है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे कुतिब, लिखा गया, अला सुबूरत बोर्ड पर, बोर्ड पर लिखा गया, क्योंकि इसका लिखने वाला मालूम नहीं है। आप कमरे के अंदर गिलास छोड़कर चले जाते हैं और वो कोई जाकर उसको तोड़ देता है, आपको पता नहीं कि किसने तोड़ा, तो आप कहेंगे कुसिरा, तोड़ा गया, ठीक है ना, कुसिरा तोड़ा गया, जब कोई करने वाला मालूम ना हो तो हम कहेंगे कि ये फेल मजहूल है। मजहूल किसे कहते हैं? कि जिसका करने वाला मालूम नहीं होता। मालूम और मारूफ दोनों एक ही फेल के नाम है, दोनों का माना एक ही है, मालूम और मारूफ, यानी जिसका करने वाला मालूम हो। नसर हमें फेल मालूम है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये फेल मालूम है, अगर ये हम इस्तेमाल ही उसी वक्त करेंगे कि जब इसका करने वाला मालूम हो, जो जुमले में इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पर नसर रखो, तो जरूरी है कि इसका फाइल जिक्र करें। अगर आप पता ना चले कि हम कहेंगे कि फकीर की मदद की गई, फकीर की मदद की गई, तो अब हमें पता नहीं है कि किसने मदद की, तो हम कहेंगे नुसर अल फकीर, फकीर की मदद की गई। लेकिन अगर हमें पता है कि हादी साहब ने फकीर की मदद की है, तो फिर क्या कहेंगे? और हादी साहब का नाम खालिद है, तो हम कहेंगे नसर खालिदुन अल फकीर। तो फिर उस सूरत में जब काम के करने वाला हमें मालूम हो, तो फेल मारूफ इस्तेमाल करेंगे, करोम या क्रोमो।
मालूम की वजह से एक तो यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि काम के करने वाला कौन है, और दूसरे नंबर पर यह है कि फेल जो है जो मजहूल है वो मालूम से बनता है, और सा तरीका कार ये है कि नसर से नुसर बनेगा, फा कलमे को जमा दिया जाएगा और आइन कलमे को कसरा दिया जाएगा, नसर से नुसर हो जाएगा, और ऐसे ही मुजारे से बनता है। जी वालेकुम सलाम। सवाल नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, इकरा अल अम्थला थुम्मा हव्वल अल जुमल अल आतिया अला गिरारहा मुस्तामिलन इस्म तब्दील। पहले 3 मिसालें दी हैं, कहते हैं कि मिसालें पढ़ें फिर जुमलों को, आने वाले जुमलों को उसी की तर्ज पर जो है वो तब्दील करें इसमें तफजील को इस्तेमाल करते हुए। तुम फिर हव्विल तब्दील करें अल जुमल अल आतियत आने वाले जुमलों को, अला गिरारहा उसकी तर्ज पर उसके वजन पर, मुस्तामिलन इसमें तफजील इसमें तफजील को इस्तेमाल करते हुए। मुहम्मद तालिबुन हसनुन, मुहम्मद अहसन तालिबिन फिल फसल। मोहम्मद अच्छा तालिब है, मोहम्मद सबसे अच्छा तालिब है क्लास में। अब तब्दीली क्या की कि मुहम्मदुन के बाद जो सिफत का सीगा है हसनुन, तो उसको मोहम्मद के बाद ले आए, मुहम्मदुन के बाद हसनुन का सीगा ले आए और उसको अफाल के वजन पर रखा, मुहम्मदुन अहसन हो गया। और अहसन के बाद हम तालिब को ले आए, मुजाफिले होने की वजह से वह मजरूर है, मुहम्मदुन अहसन तालिबिन हो गया। और आगे जो जुमला है वो हमें इजाफी लगाना होगा फिल फसली क्लास में, मोहम्मद सबसे अच्छा तालिब है कहाँ पर किस हैसियत से, कहते हैं कि क्लास में। हादा बैतुन जमीलुन, ये घर खूबसूरत है। तरीक़ेकार ये होगा कि हादा के बाद बैत को छोड़कर दरमियान में जमील को लेकर आएंगे, हादा के बाद पहले इसम के बाद, और उसको अफाल के वजन पर ले आएंगे, हादा अजमलु, फिर उसके बाद बैत लगाएंगे, मुजाफिले होने की वजह से मजरूर होगा और आगे इजाफी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। हादा अजमलु बैतिन फी शारिया, ये सड़क में सबसे खूबसूरत घर है। आमिनतु तालिबतुन सगीरतुन, आमिना छोटी तालिबा है, आमिनतु असगर तालिबतिन फिल मदरसा थी, आमिना सबसे छोटी तालिबा है मदरसा में। तो इसी ही की तर्ज पर आने वाले जुमलों को इसम तफजील इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करेंगे। हादिही गुरफतुन सगीरतुन, ये छोटा कमरा है। अब इसको अफाल तफजील के वजन पर कैसे ले आएंगे, हादिही उसके बाद जो इस्म तफजील का सीगा हमें इस्तेमाल करना है वो लेकर आएंगे, और असगरु हादिही असगरु, पहले इस्म के बाद हमें अफल तफजील इस्तेमाल करना होगा। हादिही असगरु गुरफतिन, गुरफतिन इस्तेमाल करेंगे और मुजाफिले होने की वजह से इसको हम मजरूर पढ़ेंगे, फी बैतिना हमारे घर में, माना होगा कि ये सबसे छोटा कमरा है हमारे घर में। कैसे मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह ये अफल तफजील के जो सीगे हैं ये इसके इस्तेमाल के कुछ तरीके होते हैं, या तो ये अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होता है या फिर ये है कि ये मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है। तो यहां पर असगरु गुरफतिन, सबसे छोटा कमरा, ये अफल तफजील के इस्तेमाल के तरीके हैं। आगे है बिलालुन जारुन हसनुन, बिलाल अच्छा पड़ोसी है, इसको मुकम्मल करें, आगे जुमला मुकम्मल करें, फी हयना भी लगाएंगे। जब अहसन इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर माना की ज्यादती पाई जाती है, यानी ज्यादा अच्छा है, किस एतबार से अच्छा है, फिर आगे वो जुमला लगाना जरूरी है कि मोहल्ले में सबसे अच्छा है। बिलालुन अहसनु जारिन फी हयिना, बिलाल सबसे अच्छा पड़ोसी है हमारे मोहल्ले में।
यासिरुन रजुलुन फकीरुन, यासिर फकीर आदमी है। सही, यासिरुन अफ़करु रजुलिन फी क़रियतिना, यासिर सबसे फकीर आदमी है हमारी बस्ती में। हादिही साअतुन रखीसतुन, ये घड़ी सस्ती है। हादिही अरखसु साअतिन फिस्सूक, ये सबसे सस्ती घड़ी है बाजार में। हादा दरसुन सहलुन, ये सबक आसान है। आसान है कि नहीं है? आसान है, इतना सोच क्या रहे हैं, आसान है। आपका दिल नहीं चाह रहा इसको आसान कहने को, ठीक है, तो उसको मुकम्मल करें अफाल इस्तेमाल करते हुए। हादा असहलु दरसिन फिल किताब, ये सबसे आसान सबक है किताब में। अद्दुक्तूर जकरिया अशहरु तबीबुन शहीरुन, डॉक्टर जकरिया मशहूर डॉक्टर है, मशहूर मुआलिज है। असगरतुन इस्तेमाल नहीं करेंगे मोनस के लिए, असगरु इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इसमें मुजक्कर मोनस को नहीं देखा जाएगा। अच्छा, यहां पर है अद्दुक्तूर जकरिया, डॉक्टर जकरिया अशहरु तबीबिन फी बलदिना, सबसे मशहूर तबीब है, मुआलिज है हमारे शहर में। रजुलुन के नीचे जेर मुजाफिले होने की वजह से है। जी हाँ, अशहरु अफकरु रजुलिन। अल अजहरु जामियातुन कदीमतुन, अजहर यानी जामियातुल अजहर, ये जो मिस्र में यूनिवर्सिटी है जामियतुल अजहर, कहते हैं कि ये एक कदीम पुरानी यूनिवर्सिटी है, अदीम जामिया है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? अल अजहरु अकदमु जामियातिन फिल आलम, अजहर दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। आगे कहते हैं कि ये डॉक्टर एंड जकरिया का अरबी क्या होगा? अदुक्तूरु ये इस्तेमाल होता है, जदीद इस्तिलाह है डॉक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर ये है कि वो डॉक्टर किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन ये है कि आगे तबीब कहकर बता दिया कि वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है। और जकरिया ये नाम है, और नाम का माना नहीं किया जाता, जितने भी नाम है ना, नाम का तर्जुमा नहीं किया जाता तर्जुमा करते हुए। अल उस्ताद नुमान मुदर्रिसुन हसनुन, उस्ताद नुमान अच्छा उस्ताद है। उस्ताद नुमान अच्छा उस्ताद है मदरसे में, ना वो सबक सुनता है ना वो डांटता है, बच्चों से प्यार से पेश आता है, बच्चे याद कुछ भी नहीं करके आते फिर भी कुछ नहीं कहता। चार वाला बता दें, अद्दुक्तूर जकरिया तबीबुन शहीरुन में हम इस्तेमाल करेंगे अद्दुक्तूर जकरिया अशहरु तबीबिन फी बलदीना, अशहरु तबीबिन फी बलदीना। अल उस्ताद नुमान, ये उस्ताद और नुमान ये बदल और मुबदल में होंगे और ये मुबतदा है। ذلك درس صعب, वो सबक दुश्वार है, मुश्किल है। जी ذلك اصعب درس في الكتاب, वो सबसे मुश्किल सबक है क्लास में। الازهر اقدم جامعه في العالم,
अजहर सबसे पुरानी जामिया है दुनिया में। हादा फसलुन वासियुन, ये क्लास कुशादा है। अदुक्तूर जकरिया, जी हाँ अदुक्तूर मुबदल मिनु है, जकरिया बदल है। हादा औसा फसलिन फिल कुल्लिया, ये सबसे कुशादा क्लास है कुल्लिया में, कॉलेज में या शोबे में। ठीक है, तो यहां तक काफी है और आपको काम दिया है कि आपने हरूफ जर याद करके आने हैं। ठीक है, हादा औसा फसलिन फिल कुल्लिया, ये सबसे कुशादा क्लास है कुल्लिया में या शोबे में। नंबर आठ है अल उस्ताद नुमान मुदरिस हसन, अल उस्ताद नुमान अहसन मुदरिस फिल मदरसती, उस्ताद नुमान सबसे अच्छा उस्ताद है मदरसा में। अब वहां पे सुलासी मुजरद याद करने हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आप हुरूफ जर याद करके आएंगे। बारकल्लाहु फीकुम। हादा औसा फसलिन फिल कुल्लिया, ये सबसे कुशादा क्लास कुल्लिया में। जी हाँ, मुजक्कर और मोनस में फर्क नहीं करेंगे, अगर मोनस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे कि सगीरतुन और सगीरतुन औरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इस्तेमाल करना सबसे छोटी, या कबीरतुन बड़ी, तो हम कहेंगे कि इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो अकबर इस्तेमाल करेंगे, और अकबर के बाद जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसमें हम ता लगा देंगे ताकि पता चले कि हमने ये लफ्ज मोनस के लिए इस्तेमाल किया है।